नमस्कार, मैं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में मिले कोरोना के 10 नए मामले। पुलिस दरोगा भर्ती परीक्षा के रिजल्ट का हुआ ऐलान। बिहार में 210 मेगावाट हाइब्रिड बिजली खरीदेगी कंपनियां। बिहार के 7 IPS अधिकारियों का हुआ तबादला पद स्थापना। बिहार में आंधी बारिश की प्रबल संभावना। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पुलिस दरोगा भर्ती परीक्षा के रिजल्ट की हुई घोषणा। बिहार पुलिस दरोगा भर्ती परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर आई है, जहां दरोगा भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आज जारी कर दिया गया, जिसमें कुल 14,856 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। आपको बताते चले कि भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से बिहार पुलिस में SI और सार्जेंट के 2213 पद भरे जाएंगे। पुलिस अवर निरीक्षक के 1998 और सार्जेंट के 215 पदों पर नियुक्ति होगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि विशेष जानकारी के लिए वो बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.bpssc.bis.nic.in पर जाकर अधिक जानकारी और अभ्यर्थी अपना परीक्षा का रिजल्ट देख सकते हैं। बिहार में मिले 10 कोरोना संक्रमित मरीज। देश के साथ साथ बिहार में भी कोरोना ने पैर पसारना शुरू कर दिया है। हालांकि राज्य में ताजा रिपोर्ट के मुताबिक स्थिति फिलहाल सामान्य बनी हुई है, लेकिन फिर भी आंकड़ों पर नजर डाले तो राज्य में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 44 है। बीते दिन जारी किए गए पिछले 24 घंटे के रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कुल 104,493 सैंपल की जांच हुई, जिसके बाद राज्य में 10 नए कोरोना के मामले मिले हैं, जिसमें 7 मामले राजधानी पटना के हैं। वहीं दरभंगा, कैमूर और किशनगंज में 1-1 मामले की पुष्टि हुई है। वहीं देश भर की बात करें तो गुरुवार को जारी किए गए पिछले 24 घंटे के आंकड़ों के मुताबिक कोरोना के 3545 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 19,688 पर पहुंच गई है। बिहार में और भी बेहतर होगी पुलिस सेवा। आने वाले समय में बिहार में पुलिस की सेवा और भी बेहतर होगी। पुलिसिंग के लिहाज से संवेदनशील थानों की समीक्षा के साथ अब मुख्यालय स्तर पर सभी डिवीजन प्रमुख रूप से CID, कमजोर वर्ग, प्रशिक्षण आधुनिकीकरण, विधि व्यवस्था, कार्मिक, मुख्यालय, वायरलेस, विशेष सशस्त्र पुलिस और खेल प्रभार के कामकाज की समीक्षा होगी और ये काम DGP SK सिंघल खुद देखेंगे। इसकी शुरुआत आज से कर दी गई है। समीक्षा के दौरान FSL के कामकाज को भी देखा जाएगा। जांच के लिए लैब भेजे गए प्रदर्शों को लेकर भी समीक्षा की जाएगी। DGP SK सिंघल सबसे पहले अपराध अनुसंधान विभाग के कार्यों की समीक्षा करते देखे गए। इस दौरान ADG मुख्यालय GS गंगवार भी मौजूद रहे। बिहार में आंधी बारिश की प्रबल संभावना। बिहार में मौसम ने तेजी से करवट लिया है। इसके बाद बिहार में आंधी बारिश की स्थिति बन रही है। बिहार में आंधी पानी की स्थिति अगले 48 घंटों तक बने रहने की उम्मीद है। गुरुवार को पटना वासियों ने रिमझिम बारिश का आनंद लिया। लगभग एक महीने से भीषण गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिली है। वहीं आज उत्तर बिहार और उससे सटे इलाके में आंधी बारिश देखने को मिली। इसके साथ ही यहां ठनका की भी आशंकाएं जताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के दरभंगा जिले में सबसे अधिक 73.2 मिलीमीटर बारिश हुई है। वहीं प्रदेश में पूर्व पश्चिम ट्रफ लाइन गुजर रही है, साथ ही झारखंड और पूर्वी यूपी के निकटवर्ती क्षेत्र में कम दबाव का केंद्र बना हुआ है। बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है, जिसका असर बिहार पर भी पड़ने वाला है। बिहार के 7 IPS अधिकारियों का हुआ तबादला पद स्थापन। बिहार कैडर के 7 IPS अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। पोस्टिंग का इंतजार कर रहे पुलिस महानिरीक्षक अमित लोढ़ा को IGSCRB बनाया गया है। वहीं DIG सुनील कुमार को IG विशेष शाखा के पद पर पोस्टिंग की गई है। सहायक पुलिस महानिरीक्षक विवेकानंद को पुलिस उप महानिरीक्षक भागलपुर, पुलिस अधीक्षक STF नीलेश कुमार को सहायक पुलिस महानिरीक्षक पटना के पद पर पोस्टिंग दी गई है। वहीं DIG नवल किशोर को SCRB DIG के पद पर पदस्थापित किया गया है। BMP के DIG मनोज कुमार को पुलिस उप महानिरीक्षक विशेष शाखा पद पर पोस्टिंग की गई है। गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। NTPC परीक्षा के लिए इन तारीखों को चलेगी स्पेशल ट्रेनें। बिहार में छात्र भारी संख्या में NTPC की परीक्षा देते हैं। यही वजह है कि जब भी NTPC की परीक्षाएं शुरू होती है, स्टेशनों पर छात्रों की भारी संख्या में भीड़ उमड़ती है। इस भीड़ को देखते हुए रेल प्रशासन की तरफ से इन छात्रों के लिए विशेष सुविधा दी जा रही है। मालूम हो कि रेलवे भर्ती बोर्ड ने नॉन टेक्निकल पॉपुलर द्वितीय चरण की परीक्षा 9 और 10 मई को आयोजित की जा रही है, जिसके लिए लाखों की संख्या में परीक्षार्थी भागीदारी करेंगे। ऐसे में परीक्षार्थियों को उनके सेंटर तक जाने के लिए किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए रेलवे ने आगामी 8 मई को 65 परीक्षा स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। इनमें कई ट्रेन पटना और बिहार के दूसरे जिले से रवाना होंगी, जिसमें गाड़ी संख्या 03205, 03206, गाड़ी संख्या 03215, 03216, गाड़ी संख्या 05215,
05216, गाड़ी संख्या 03230-03229, गाड़ी संख्या 03220-03219, गाड़ी संख्या 03282 और 03281, गाड़ी संख्या 05201-05202 और गाड़ी संख्या 03309-03310, गाड़ी संख्या 03313-03314 और गाड़ी संख्या 03317 और 03318 शामिल है। जेल अधीक्षक आए एसबीयू की रडार में, बिहार में भ्रष्ट अधिकारियों की कमी नहीं है। एक बार फिर स्पेशल विजिलेंस ने एक जेल अधीक्षक को आय से अधिक संपत्ति के मामले में अपने गिरफ्त में लिया है। आपको बता दें कि जेल में ड्यूटी के दौरान आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में सहरसा जेल अधीक्षक सुरेश चौधरी के ठिकानों पर आज सुबह स्पेशल विजिलेंस यूनिट पटना की टीम छापेमारी के लिए पहुंची थी। रिपोर्ट के मुताबिक सहरसा जेल अधीक्षक के पास लगभग 1.5 करोड़ से अधिक संपत्ति अर्जित की है। इसके आधार पर एसबीयू ने उन पर कार्रवाई की। जेल अधीक्षक के दो ठिकाने मुजफ्फरपुर और सहरसा के आवास पर छापेमारी की गई है। अब उन्हीं मामलों में विभागीय कार्रवाई, जिन्हें वृहद दंड की प्रबल संभावना। राज्य के सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों पर विभागीय कार्रवाई केवल उन मामलों में ही होगी जिन्हें वृहद दंड मिलने की पूरी संभावना है। जी हां, बिहार मुख्य सचिव आमिर सुबहानी की अध्यक्षता में हुई विभागीय कार्रवाई की समीक्षा बैठक में इस बाबत कई दिशा निर्देश दिए गए हैं और कहा गया है कि किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के आरोप का अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा उसकी प्रकृति और उस अपराध की गंभीरता का आकलन पहले ही कर दिया जाएगा। अगर उस व्यक्ति का अपराध वृहद हुआ और तभी उसी पर विभागीय कार्रवाई आरंभ की जाएगी, मतलब यह है कि उस अपराध पर विभागीय कार्रवाई होगी जिसमें वृहद दंड की प्रबल संभावना है। विभागीय कार्रवाई के मामलों की मुख्य सचिव द्वारा प्रत्येक 3 महीने पर समीक्षा की जाएगी। अगली समीक्षा बैठक जून में होगी। 3 दिनों के लिए सील होगा इंडो नेपाल बॉर्डर। नेपाल में 13 मई को होने वाले नगर निकाय चुनाव सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों को लेकर मोरंग के विराट चौक स्थित एक होटल में इंडो नेपाल समन्वय समिति की बैठक हुई। बैठक में 13 मई को होने जा रहे चुनाव में 3 दिन के लिए सीमा सील कर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था बनाने, सूचना आदान प्रदान करने, असामाजिक तत्व पर पैनी नजर रखने, ज्वाइंट पेट्रोलिंग चलाने के अलावा भारतीय सीमा से सटे नेपाल के बॉर्डर इलाके में शराब दुकान पर अंकुश और तस्करी पर रोक लगाने पर निर्णय लिया गया है। इसी क्रम में बिहार के रास्ते भारत में नेपाल से फेक करेंसी के आवागमन पर रोक लगाने पर विशेष रूप से चर्चा की गई। साथ ही नेपाल में आगामी चुनाव को लेकर दोनों देश के बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष रूप से बल दिया गया है। साथ ही हर 3 महीने में समन्वय समिति की बैठक की बात भी कही गई है। निःशुल्क दस्तावेज बनवाने के लिए खुले 5 और विशेष काउंटर। संपत्ति क्रय और विक्रय करने वालों को दस्तावेज तैयार करने के लिए अब किसी बिचौलिए के पास नहीं जाना पड़ेगा। इसके लिए पटना जिला निबंधन कार्यालय ने कार्यालय परिसर में ही निःशुल्क दस्तावेज तैयार करने की सुविधा शुरू की है। इसके लिए 5 काउंटर को चालू भी कर दिया गया है। बीते दिन बिहार के निबंधन महानिरीक्षक बी कार्तिकेय धनजी ने विशेष काउंटर का उद्घाटन किया। इनके साथ जिला अवर निबंधक पटना के धनंजय कुमार राव उपस्थित थे। विशेष काउंटर शुरू होते ही करीब 7 लोगों ने अपनी संपत्ति का दस्तावेज बिना कोई शुल्क का बनवाया। वहीं जिला निबंधन कार्यालय ने प्रतिदिन कुल 25 दस्तावेज बनाने का लक्ष्य रखा है। बिहार में 210 मेगावाट हाइब्रिड बिजली खरीदेगी कंपनियां। अब बिहार में बिजली संकट और महंगी बिजली की समस्या जल्द ही खत्म होने वाली है। बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने बिहार की दोनों बिजली वितरण कंपनियों को पीक आवर में उपयोग के लिए सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया SECI से 210 मेगावाट गैर परंपरागत बिजली खरीद की मंजूरी दे दी है। यह हाइब्रिड बिजली 6.12 रूपए प्रति यूनिट की दर से 25 वर्षों की लंबी अवधि के लिए उपलब्ध होगी। साउथ बिहार और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की सुनवाई के बाद निर्णय देते हुए आयोग ने यह फैसला लिया है। आयोग के मुताबिक समझौते के तहत पीक आवर में भले ही 6.12 रूपए प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलेगी, लेकिन ऑफ पीक में ये मात्र 2.88 रूपए प्रति यूनिट में ही उपलब्ध हो जाएगी। जदयू सांसद के साथ की गई फ्रॉड की कोशिश। बिहार में आए दिन फर्जीवाड़े का मामला सामने आता रहता है। साइबर ठगों ने तो आतंक मचाकर रखा है। हर दूसरा इंसान इन फर्जीवाड़ों से परेशान है। इस बीच एक मामला सीतामढ़ी से जदयू सांसद सुनील कुमार पिंटू से जुड़ा है। इनसे किसी ने व्हाट्सएप पर खुद को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बताकर पैसों की डिमांड की। हालांकि सांसद को इस पर शक हुआ और उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष कार्यालय में इसकी सूचना दी है, जिसके बाद इस पूरे फर्जीवाड़े का सच सामने आया। लोकसभा अध्यक्ष कार्यालय से स्पष्ट बताया गया है कि इस तरह का कोई मैसेज नहीं भेजा गया और न ही पैसे की डिमांड की गई है। उन्होंने बताया कि कैसे गूगल पे के जरिए 5,000 के 20 वाउचर की मांग की गई थी।
पथ निर्माण मंत्री ने संप हाउस का किया निरीक्षण। पटना बाईपास में पुराने बस स्टैंड मोड़ के पास 44 करोड़ की लागत से बन रहे निर्माणाधीन संप हाउस का बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने आज निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों से बात कर कार्यों की प्रगति का जायजा लिया, साथ ही बचे हुए कार्यों में तेजी लाने के लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। आपको बता दें कि इस योजना का शिलान्यास साल 2018 में ही किया गया था। मालूम हो कि इससे पहले पटना के कृषि फार्म होने के कारण बेउर मोड़ से पुरानी बस स्टैंड मीठापुर का इलाका निचला होने का कारण बरसात में जल जमाव की स्थिति बन जाती थी, जिसके बाद से ही इस समस्या पर ध्यान देते हुए संप हाउस की योजना पारित की गई। इसके चालू होने के बाद वार्ड नंबर 12 से 19 और वार्ड 29 और आंशिक 30 के इलाकों को जल जमाव से मुक्ति मिल जाएगी। धर्मेंद्र नीतीश की मुलाकात, मंत्रिमंडल में बड़े फेरबदल की तरफ इशारा। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अचानक से गुरुवार को पटना पहुंचे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। दोनों में काफी देर तक बातचीत हुई, जिसके बाद से ही नीतीश मंत्रिमंडल में फेरबदल की सुगबुगाहट तेज हो गई है। हालांकि अभी तक ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि दोनों में किस मुद्दों पर बात हुई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में ये कयास जरूर लगाए जा रहे हैं कि दोनों नेताओं के बीच बिहार कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा हुई। इस मुलाकात के बाद बिहार में नीतीश मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर हलचल तेज हो गई है। चल रही खबरों के अनुसार ऐसा माना जा रहा है कि चुनाव में भाजपा के खराब प्रदर्शन की वजह से कुछ मंत्रियों की छुट्टियां मानी जा रही है, वहीं कई नए चेहरों को मौका भी दिया जा सकता है। ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान का मुख्यमंत्री से मिलना बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है। डेविड वार्नर ने तोड़ा यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल का बड़ा रिकॉर्ड। डेविड वार्नर ने अपने पुरानी टीम के खिलाफ जमकर गेंदबाजों की धुनाई की और एक बड़ा रिकॉर्ड ध्वस्त कर अपने नाम कर लिया है। इसमें से पहले T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के यूनिवर्स बॉस नाम से मशहूर क्रिस गेल के नाम था, लेकिन सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ डेविड वार्नर की 58 गनों में 92 रनों की पारी की बदौलत अब यह रिकॉर्ड डेविड वार्नर के नाम हो गया है। दिल्ली के ओपनर बल्लेबाज वार्नर का ये T20 क्रिकेट में 89वां अर्धशतक था और वार्नर ने क्रिस गेल को पीछे छोड़ा है, जिनके नाम 88 अर्धशतक दर्ज है। तीसरे स्थान पर 77 अर्धशतक के साथ विराट कोहली, चौथे पर एरोन फिंच और पांचवे पर रोहित शर्मा मौजूद है। आईपीएल में भी इस खिलाड़ी के नाम 158 पारियों में 54 अर्धशतक दर्ज है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है बाबूलाल मरांडी, मृत्युंजय कुमार, महेश दास, कविता कुमारी, शंकर मुखिया, योगेंद्र शाह, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, रंजीत मिश्रा। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, वर्तमान में पुलिस की सेवा से आप संतुष्ट हैं या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।